तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया के शेयर में एकदम से एक बढ़िया जंप आया। स्टॉक सुबह में जो 10 रुपए चल रहा था, स्टॉक ऊपर में 10 रुपए 60 पैसे तक का हाई बना चुका है और फिलहाल अभी 10 रुपए 35 पैसे 10 रुपए 40 पैसे पे चल रहा है। तो क्या लेटेस्ट न्यूज आई है वोडाफोन आइडिया के बारे में, किस वजह से स्टॉक में एकदम जंप आया? तो फिलहाल ऐसा कोई न्यूज नहीं आया अभी पब्लिक में जिसकी वजह से स्टॉक में एकदम तेजी बने, लेकिन 3 चीजें हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि किसी ने परचेजिंग करी हो वोडाफोन आइडिया में एकदम, जिसकी वजह से एकदम ही स्टॉक में जंप आया। अब वो 3 चीजें क्या है दोस्तों? एक तो चीज आपकी ये है कि एक काफी टाइम से 2-3 हफ्तों से न्यूज आ रही है कि प्रमोटर्स आदित्य बिरला, आपके मंगलम बिरला, आपके पैसे लगा सकते हैं वोडाफोन आइडिया में पर्सनल कैपेसिटी में। ग्रासिम या किसी और कंपनी के थ्रू नहीं, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी के थ्रू हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया में पैसा लगा दें। और वो पैसा कितना हो सकता है दोस्तों? ऐसे कोई एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि 1,000 करोड़ रुपए हो, 2-3 हज़ार करोड़ रुपए हो, और हो सकता है कि 5-6 हज़ार करोड़ रुपए भी हो। तो ये सब चीजें सोर्सेस, ये अभी एस्टिमेट्स हैं, ये एक्सपेक्टेशन है, ये चल रही है बाजार में, मार्केट में न्यूज चल रही है कि हो सकता है कि आदित्य बिरला अपने कुछ पैसे लगाएं वोडाफोन आइडिया में। अब ये चल रही थी खबर कि ये नवंबर में चीज फाइनल हो सकती है या दिसंबर की शुरुआत में फाइनल हो सकती है। तो हो सकता है उस पर कुछ अपडेट आया, उस पर कुछ प्रोग्रेस हुई हो अच्छी खासी, जिसकी वजह से किसी ने परचेसिंग करी हो वोडाफोन आइडिया के शेयर में। क्योंकि जैसे दोस्तों हमने पिछली वीडियोस में काफी बार डिस्कस किया है, हमें तो जो हम आम पब्लिक है उनको न्यूज पता नहीं चल पाती है पब्लिक में आने से पहले, लेकिन जो काफी बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं या जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पहले ही न्यूज पता चल जाती है कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो हो सकता है वहां से कुछ उनकी जो फंड फंड इन्फ्यूजन होने वाला है या फंड इन्फ्यूजन करेंगे यानी आदित्य बिरला मंगलम बिरला जो है आपके आदित्य बिरला ग्रुप के मालिक, वहां से कुछ हो सकता है कि प्रोग्रेस हुई है, कुछ अपडेट आया हो जिसकी वजह से किसी ने स्टॉक में एकदम परचेसिंग करी हो। दोस्तों दूसरी चीज जो है, कंपनी के नतीजे आने वाले हैं 12 नवंबर को, यानी आपके फ्राइडे को कंपनी के नतीजे आएंगे। तो हो सकता है कि वहां पे किसी को लग रहा हो कि भाई रेवेन्यू बढ़ता हुआ वोडाफोन आइडिया का बढ़िया आएगा, आपके आरपीयू बढ़ेंगे, या लॉस कम हो सकता है वोडाफोन आइडिया को, या दोस्तों कुछ भी हो सकता है कि जिसको एक्सपेक्टेशन जिसको लग रहा हो कि नतीजे बढ़िया आएंगे, तो उस पर हो सकता है कि किसी ने बैट लेने की कोशिश करी हो जिसकी वजह से स्टॉक में एकदम आपका जंप आया। दोस्तों आपकी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बढ़िया सा रिलीफ पैकेज निकला हुआ है और वहां से जो रिलीफ पैकेज है उस पर अच्छी खासी प्रोग्रेस हो रही है, उसको एग्जीक्यूट जल्दी काफी जल्दी जल्दी किया जा रहा है। तो हो सकता है उस चीज को देखते हुए कि भी किसी ने परचेजिंग करी हो एकदम वोडाफोन आइडिया में, काफी टाइम से स्टॉक 1-2 हफ्ते हो चुका था तो कंसोलिडेट हो रहा था, तो हो सकता है कि आज इसलिए एकदम परचेजिंग आई हो स्टॉक में। दोस्तों जो तीसरी न्यूज है जिसपे हो सकता है कुछ अपडेट आया हो, कुछ प्रोग्रेस हुई हो, तो एक इलॉन मस्क होता है, आपके नाम सुनाओ, जो कि अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। उनका एक स्टारलिंक बिजनेस है दोस्तों, जिसके थ्रू वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं सीधा, जो आपका सैटेलाइट है, जो आपका आसमान में चलती है सैटेलाइट, उस वहां से सीधा आपके फोन में नेट आएगा। तो एक न्यूज आई थी अभी कुछ दिन पहले कि वहां पे कि जो स्टारलिंक है वो इंडिया में वोडाफोन आइडिया और जियो के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, कुछ कोलेबोरेशन कर सकता है, ताकि जो उनकी सर्विसेज है डायरेक्ट जो सैटेलाइट से फोन पे आती है या आपके जो भी कनेक्शन डिवाइस पे आएगी, हो सकता है उसके ऊपर कुछ प्रोग्रेस हुई है, कुछ जो कोलेबोरेशन के बारे में न्यूज आ रही थी वहां से कुछ प्रोग्रेस हो रही है उस पर अच्छी खासी, जिसकी वजह से स्टॉक में एकदम किसी ने परचेसिंग करी हो। भारतीय एयरटेल के साथ वो कुछ नहीं करेंगे कोलेबोरेशन, ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों भारतीय एयरटेल का अलग से ही एक वन वेब है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं डायरेक्ट सैटेलाइट से अपने फोन डिवाइस या लैपटॉप पे किसी पे भी इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के जो वो है दोस्तों सर्विस, उस पर वो काम कर रहे हैं वन वेब के थ्रू। तो जो स्टारलिंक है, जो इलॉन मस्क का बिजनेस है, उसके थ्रू हो सकता है कि एयरटेल के साथ और कोई कोलेबोरेशन या कोई पार्टनरशिप ना हो, लेकिन वोडाफोन आइडिया और जियो ऐसे किसी भी बिजनेस पे काम नहीं कर रहे, तो स्टारलिंक ने वोडाफोन आइडिया और जियो को अप्रोच किया था। तो वहां पे हो सकता है कि कुछ अपडेट आया हो, यहाँ पे कुछ प्रोग्रेस हुई हो जिसकी वजह से किसी ने परचेसिंग करी हो वोडाफोन आइडिया। तो दोस्तों वोडाफोन अभी फिलहाल 10 रुपए 35 पैसे पे चल रहा है। जो एक और चीज हो सकती है दोस्तों, पिछले जैसे हम बात करें स्टॉक के पैटर्न के बारे में, तो पिछले 1-2 महीने से स्टॉक जो एकदम तेजी आई थी, स्टॉक 5 रुपए चल रहा था, फिर रिलीफ पैकेज आया था, फिर एकदम स्टॉक 12 रुपए तक चला गया था, उसके बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। जैसा आप चार्ट पे देख सकते हैं स्टॉक काफी टाइम से 1-2 रुपए की रेंज में ही घूम रहा है। तो हो सकता है कि अब कंसोलिडेशन पूरा होते हुए दिख रहा है स्टॉक का, और जो भी स्टॉक में एक्टिव इन्वेस्टर्स रहते हैं, ऑपरेटर्स रहते हैं, अब वो इसमें वापिस जो परचेजिंग होती है वो फिर से चालू करने वाले हो, जो वो चाह रहे थे कि वीक हैंड्स जो कि वोडाफोन आइडिया में है वो सब निकल जाए, जो भी एक बढ़िया तेजी आने वाली है उससे पहले वीक हैंड्स वोडाफोन आइडिया में से सभी निकल जाए और उन सबका माल जो नीचे के भाव पे है वो एक्यूमुलेट किया जा सके। तो वो चीज भी हो सकती है दोस्तों, बहुत सारी चीजें हो सकती है। फिलहाल जो भी चीज पॉसिबल है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, और फिलहाल ऐसा कोई एग्जैक्ट न्यूज निकल के नहीं आया वोडाफोन आइडिया के बारे में।
अब दोस्तों एक बार क्विकली स्टॉक के बारे में डिस्कस करें कि स्टॉक यहाँ से कैसे दिख रहा है, कहाँ तक जा सकता है अगर तेजी बनी रहती है। तो जैसा हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है दोस्तों, 10 रुपए का जो स्तर है वो एक बड़ा सपोर्ट है स्टॉक के लिए। 10 रुपए तक, जब तक स्टॉक 10 रुपए के ऊपर टिक रहा है ये पॉजिटिव चीज है वोडाफोन आइडिया के लिए। जब 10 रुपए के नीचे चला जाता है तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है स्टॉक का वो कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। लेकिन फिलहाल जैसा हमें दिख रहा है स्टॉक 10 रुपए के जो लेवल है उसको रेस्पेक्ट दे रहा है। 10 रुपए के नीचे थोड़ा बहुत कभी कभी जा रहा है लेकिन 10 रुपए के आसपास ही घूम रहा है, 10 रुपए के ऊपर वापस आ जाता है काफी जल्दी। दोस्तों ऊपर के लेवल्स की बात करें तो दोस्तों जो 12 रुपए का स्तर है वो जो पहला रेजिस्टेंस बनने वाला है, पहला टारगेट जो बनने वाला है वोडाफोन आइडिया में, अगर तेजी बनी रहती है और स्टॉक में यहाँ से एक अच्छी बाइंग आती है तो 12 रुपए का स्तर होगा जहां पे स्टॉक जाके फिर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। क्योंकि दोस्तों अभी जो रिसेंटली तेजी आई थी स्टॉक 12 रुपए के ऊपर सही से नहीं जा पाया था और काफी बार देखने को मिला है स्टॉक 12 रुपए के ऊपर नहीं जा पाता है, तो 12 रुपए का स्तर होने वाला है दोस्तों। और अगर दोस्तों अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल की या अल्टीमेट टारगेट की बात करें जहां पे स्टॉक बहुत ही बढ़िया सेलिंग प्रेशर देख सकता है, वैसे तो फिलहाल अभी 10:35 के आसपास काम कर रहा है दोस्तों, सिर्फ 5% की तेजी है तो ये थोड़ा ज्यादा लेवल हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार दोस्तों, जो 14 रुपए का स्तर है वो एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल है जिसके ऊपर अगर किसी वजह से स्टॉक निकलता है आने वाले दिनों में या कभी भी निकलता है तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है दोस्तों वोडाफोन आइडिया का वो बहुत ही बेहतरीन बन जाएगा। वरना अभी की लेवल्स की बात करें 10 रुपए का जो है, अगर स्टॉक 10 रुपए के ऊपर टिकता है तो एक अच्छी बात है, और अगर दोस्तों किसी वजह से स्टॉक 11 रुपए के ऊपर टिकता है तो और एक अच्छी बात होगी दोस्तों, क्योंकि 11 रुपए के ऊपर स्टॉक का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है दोस्तों वो बुलिश रहेगा। फिलहाल दोस्तों कोई और अपडेट आता है तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।